गाइस वेलकम टू E3 प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर में वायरस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर में वायरस बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस इज द वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जो वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। दिस वायरस इज अ डिफरेंट फ्रॉम द बायोलॉजिकल वायरस। जो बेसिकली ह्यूमन बींग के अंदर जो वायरस होता है उससे डिफरेंट होता है। इट इफेक्ट्स द कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। जो कंप्यूटर को उसके यूजर की नॉलेज के बिना इफेक्ट करता है। इट इज़ अ बेसिकली ए पीस ऑफ कोड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसे हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हैं विच कैन लोड ओवर योर कंप्यूटर ऑन इट्स ओन। जो अपने आप आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है। इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का टाइप होता है दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड रिप्लिकेट इटसेल्फ व्हाइल मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन करने के बाद अपने आप को रिप्लिकेट करता है एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड, जिसमें अपना कोड इंसर्ट कर देता है उन प्रोग्राम में। व्हेन द रिप्लिकेशन सक्सीड, जब रिप्लिकेशन उसका सक्सेस हो जाता है, द इफेक्टेड एरिया आर देन सेट टू बी इन्फेक्टेड विद द कंप्यूटर वायरस। जिस एरिया को वह इफेक्ट करता है उसे हम इन्फेक्टेड एरिया कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है किसी कंप्यूटर में। वायरस कैन करप्ट योर सिस्टम फाइल एंड स्लो डाउन योर कंप्यूटर। वायरस आपके सिस्टम को करप्ट कर, आपकी सिस्टम की जो फाइल है आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है और आपकी कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकता है। वायरस कैन मेक सम प्रोग्राम करप्ट। आपके कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं जिनको वायरस करप्ट कर दे। वायरस कैन डैमेज कंप्यूटर बूट सेक्टर। कंप्यूटर में जो बूट सेक्टर होता है उसको डैमेज कर सकता है वायरस। वायरस कैन स्टील योर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द अनदर पर्सन। वायरस अपने कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है और इसे किसी अदर पर्सन को सेंड कर सकता है। वायरस कैन डिलीट योर कंप्लीट हार्ड ड्राइव। वायरस आपकी हार्ड ड्राइव को भी डिलीट कर सकता है कंप्लीटली। वायरस कैन चेंज पावर रेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर विच में कॉज ऑफ ब्लास्ट। वायरस आपकी जो कंप्यूटर की पावर रेटिंग होती है जिससे आपका कंप्यूटर ऑन होता है उसको चेंज कर सकता है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर में ब्लास्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर देता है एक वायरस, जैसे आप इस फनी डायग्राम से देख पा रहे हो। तो हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो कंप्यूटर वायरस के बेसिकली कई टाइप है, पर जो मेजर टाइप है वो 8 टाइप्स का होता है वायरस। बूट सेक्टर वायरस होता है, मेमोरी रेजिडेंट वायरस होता है, ओवरराइट वायरस होता है, ईमेल वायरसेस होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, मैक्रो वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, जो वायरस के टाइप्स होते हैं। ये लॉजिकल बॉम्ब का डायग्राम है जो वायरस होता है उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूट सेक्टर वायरस के बारे में। ये बूट सेक्टर वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्डर ऑफ हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर वायरस एक वायरस का ही टाइप है जो बूट सेक्टर को, जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को या हार्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड को, हार्ड ड्राइव डिस्क का जो होता है उसे इन्फेक्ट करता है। हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें एक मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जिसे बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट करता है, और हमारी फ्लॉपी डिस्क में एक बूट सेक्टर होता है जिसे बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं मेमोरी रेजिडेंट वायरस। मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है? मेमोरी रेजिडेंट वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट स्टे इन मेमोरी आफ्टर इट्स एग्जीक्यूट एंड देन इन्फेक्ट द फ्यूचर प्रोग्राम। मेमोरी रेजिडेंट वायरस को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं मेमोरी रेजिडेंट वायरस हमारी मेमोरी में रहता है और हमारी मेमोरी में आने वाले प्रोग्राम जो होते हैं फ्यूचर में उनको इन्फेक्ट करता है। ओवरराइट वायरस, एन ओवरराइट वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम विच आफ्टर इन्फेक्शन विल इफेक्टली डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल प्रोग्राम के कोड टाइपिकली बाई ओवरराइटिंग डाटा इन सिस्टम मेमोरी। ओवरराइट वायरस, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें, ओवरराइट वायरस क्या करता है किसी भी प्रोग्राम में उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद उसके डेटा को ओवरराइट करने के बाद हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। ईमेल वायरस क्या होता है? ईमेल वायरस इज ए वायरस दैट इज सेंट विद और अटैच्ड टू द ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल वायरस वे वायरसेस होते हैं बेसिकली जो ईमेल फाइल के साथ अटैच होकर आते हैं और हम उन्हें अनजाने में इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इंस्टॉल के मेरा मतलब है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं वायरस। अब इसके बाद देखते हैं लॉजिकल बॉम्ब। ये भी एक वायरस का टाइप है। ए लॉजिकल बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड। लॉजिकल बेसिकली आई एक कोड है, पीस ऑफ कोड है, या कह सकते हैं एक प्रोग्राम है इंसर्टेड इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इंसर्ट होता है। दैट इम्प्लीकेट्स ए मैलिशियस फंक्शन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और
स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट, जैसे कि आप इसके नाम से ही पता चल रहे हो, इसमें लॉजिक लगा होता है कि इतनी कंडीशन पर किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर ही अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है। या हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे कि टाइम बॉम्ब नहीं होता कि इतने ड्यूरेशन के बाद वो ब्लास्ट होता है, इसी तरीके से लॉजिक बॉम्ब होते हैं जो अगर इसकी कंडीशन कह सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, उससे पहले ये पीसफुली रहता हमारे सिस्टम में, इससे पहले ये जब तक इसकी कंडीशन मीट नहीं हो जाती ये हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता। तो ये एक लॉजिकल बॉम्ब का टाइप वायरस है। मैक्रो वायरस के बारे में हम देखते हैं। ए मैक्रो वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज। मैक्रो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है बेसिकली, इसे मैक्रो वायरस, मैक्रो जो लैंग्वेज है उसमें राइट किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। मैक्रो वायरस इन्फेक्ट से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इन्फेक्ट करता है। इट कॉजेज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बिगिन ऑटोमेटिकली व्हेन द एप्लीकेशन इज ओपन। आपने अपने कंप्यूटर में कई बार देखा होगा जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, तो ये किस कारण होता है? ये मैक्रो वायरस के कारण होता है। अब इसके बाद देखते हैं वॉर्म्स क्या होते हैं। ए वॉर्म्स इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल टू रिप्लीकेट इटसेल्फ। वॉर्म्स क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क या कह सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के होल को डिटरमाइन करने के बाद अपने आप को रिप्लीकेट करता है। और इसमें इस वीडियो में आपको ट्रोजन हॉर्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रोजन हॉर्स पर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। इस तरीके से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।